नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अंगा कॉर्नर में। आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दी की सब्जी। ये राजस्थान में बहुत बनाई जाती है और इसको बहुत पसंद किया जाता है। आप जब भी हल्दी खरीदने जाएं तो ये इस तरीके से चेक कर लें नाखून लगा के। अगर छिक्कल आपका पतला है तो समझिए हल्दी ताजी है और तभी लेके आइएगा। और चलिए अब हल्दी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सब हल्दी को छीलेंगे। ये मैंने हल्दी छील के तैयार कर ली है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। टुकड़ों में काटने से ये होता है कि जब हम हल्दी बनाते हैं तो तले में हल्दी लगती नहीं है, अगर हमने ग्रेट कर ली तो वो लग जाती है। इसी तरह से हम सारी हल्दी को काट लेंगे। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी घी लिया है। 100-150 ग्राम करीब होगा ये, और हल्दी मेरी 300 ग्राम करीब है। जितनी आप हल्दी लें उससे आधा आप देसी घी जरूर ले लें। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 8-10 कलियां लहसुन की काट के डाल देंगे। लहसुन को हमें ज्यादा नहीं भूनना है और 2-3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे ये घी में ही बनती है, पर अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। ये हमने हल्दी ऐड कर दी। कोशिश यही कीजिएगा बिल्कुल बारीक बारीक काटें। अब इसी तरह से आप इसे चलाते रहिए। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अब हम देख लेते हैं कि हल्दी हमारी गली है कि नहीं। ये देखिए लगभग गल चुकी है। अब हम इसमें 2-3 साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाल दीजिएगा। और जिस कटोरी से हमने घी लिया था उसी कटोरी से हमें दही लेना है, उतना ही, एक कटोरी भर के। अब चलाते रहिएगा जिससे कि दही फटे ना। अच्छे से चलाइए और जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है उनको तो ये जरूर खानी चाहिए। राजस्थान में घर घर में बनाई जाती है और सभी लोग खाते हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसे जरूर खाना चाहिए। अब हम ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। हल्दी हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हल्दी की सब्जी बना रहे हैं, इसलिए देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है सब्जी का। अब इसी तरह से हम इसको 5 मिनट पकने देंगे। 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। हमने खड़े गरम मसाले नहीं डाले हैं और आप इस सब्जी को 1 महीने तक भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें और सब्जी ऐड करते हैं तो उसकी लाइफ कम होती है, तो फिर आपको 10 दिन में उस सब्जी को ख़त्म करना पड़ता है। और अब इसे आप महीना भर भी स्टोर करके रख सकते हैं, 2 महीने भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार बनाइए, पूरे महीने आराम से खाइए। ये लीजिए हल्दी की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है और ये कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए सर्व कर लेते हैं। ये हल्दी की सब्जी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और घर में आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, नाश्ते में, लंच में या डिनर, कभी भी आप खाइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।